तो वही मौसम को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में कल से शीतलहर चलने के आसार हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भोपाल इंदौर समेत 16 शहरों में टेम्परेचर 12 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। बर्फीली हवाओं का उत्तरी हिस्से में अब ज्यादा ठंड पड़ने के आसार भी जताए गए हैं। मध्य प्रदेश में कल से शीतलहर चलने के आसार हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। साथ ही आपको बता दें, भोपाल इंदौर समेत 16 शहरों में टेम्परेचर 12 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। बर्फीली हवाओं का उत्तरी हिस्से में अब ज्यादा ठंड पड़ेगी। ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग के जिले भी इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश में कल से शीतलहर चलने के आसार जताए जा रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मौसम को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आप देख रहे हैं, जहां पर भोपाल इंदौर समेत 16 शहरों में टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच चुका है। बर्फीली हवाओं का उत्तरी हिस्से में असर भी देखने को मिल रहा है और वहां ज्यादा ठंड के आसार भी जताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग के जिले इसमें शामिल हैं, जहां शीतलहर चलेगी। वहीं धार, गुना, अशोकनगर में कोल्ड वेव का अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में शीतलहर चलने के आसार हैं। भोपाल इंदौर समेत 16 शहरों में तापमान में भी गिरावट देखी गई है, जहां टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच चुका है और बर्फीली हवाओं का कहर भी अब देखने को मिलेगा। उत्तरी हिस्से में अब ज्यादा ठंड पड़ने के आसार भी जताए जा रहे हैं।